सो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं। तो अब लास्ट टू टॉपिक्स बचे हैं, दैट इज़ द सेंसेशन ऑफ विजन एंड सेंसेशन ऑफ हेयरिंग। तो इसमें हम ह्यूमन आई और ह्यूमन ईयर पढ़ेंगे। इन दिस वीडियो विल बी डीलिंग विद द ह्यूमन आई एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम ईयर ख़त्म करके इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर टुडेज डिस्कशन। पहले आपको क्या याद रखना है, ये आपको पता ही है दैट आई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट्स फंक्शन इज विजन, ठीक है। इट इज़ सेंसरी ऑर्गन फॉर विजन। नाउ जो आपने स्केल्टल सिस्टम पढ़ा उसमें हमने देखा था कि ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द नोज, ये अगर नोज है हमारी, देयर आर सॉकेट्स इन द स्कल, है ना, सॉकेट्स, एंड दीज सॉकेट्स हैव बीन गिवन द नेम्स ऑर्बिट्स। तो इन सॉकेट्स को हम क्या नाम देते हैं, टेक्निकल नेम इज ऑर्बिट्स फॉर दी सॉकेट्स। सो आवर पेयर्ड आइज, हमारे पास दो आइज होती हैं, देयर फॉर पेयर, दे आर लोकेटेड इन सॉकेट्स ऑफ द स्कल कॉल्ड ऑर्बिट्स। नाउ वील बी कंप्लीटिंग दिस टॉपिक इन टू हेडिंग्स। एक तो पहले हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ द आई, मतलब हम आई का स्ट्रक्चर देखेंगे डिटेल, कैसे कहाँ पे होता है, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। असल में हम एनाटॉमी देखेंगे आई की। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल बी लुकिंग एट द मैकेनिज्म ऑफ विजन, कैसे हमारा विजन जो है हम कैसे देख पाते उसके बाद, ठीक है। नाउ फर्स्टली कमिंग ऑन द पार्ट्स ऑफ द आई, आपको याद रखना है जो एडल्ट ह्यूमन आई है ये आपको, इट इज़ नियरली स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। तो इट इज़ नॉट फुली स्फेरिकल, इट इज़ नियरली स्फेरिकल। तो ये नियरली स्फेरिकल आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है। नाउ मूविंग फर्दर, आपको क्या याद रखना है, जो हमारी आई होती है, हमारी आई ऐसे होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ नियरली सर्कुलर, ठीक है। अब इसके बाहर से एक वॉल होता है और अंदर से क्या होती है, अंदर से फ्लूड फील्ड होती है, ठीक है। बाहर से एक कवरिंग और अंदर से फ्लूड फील्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बैलून होता है, वाटर बैलून अगर गोल होगा तो वो बाहर से उसको रबर कवरिंग होती है ना, लेकिन अंदर से क्या होता है उसमें, पानी। तो वैसे ही आप मान के चलो पहले दैट हमारी जो आई है, देयर इज़ अ वॉल सराउंडिंग इट एंड इनर टू इट देयर इज़ फ्लूड, ठीक है। नाउ ये जो ये वाल है आई का, ये जो आई बाल का वाल है, इट इज़ मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स, ये तीन लेयर्स का बना होता है, ठीक है। अब इन तीन लेयर्स का नाम क्या है, इनकी फंक्शन क्या है, वो हम पढ़ेंगे, बट फर्स्टली यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दिस लेयर्स। एंड आई हैव मेड ए निमोनिक, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाए, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, SCR, ठीक है, SCR, S stands for sclera, C stands for choroid and R stands for retina. So sclera क्या होगी, sclera outer होगी, choroid क्या होगी, choroid middle होगी, और retina क्या होगी, inner होगी। अभी हम diagram में अच्छे से देखेंगे, ठीक है, sclera क्या बनाता है, cornea क्या बना, choroid क्या बनाता है और retina क्या बनाता है, ठीक है। Now here we go, यहाँ पे एक डायग्राम है जो एनसीईआरटी में दी हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लेबलिंग आपको आज आनी चाहिए, ठीक है। हमने अभी क्या बोला, हमने बोला जो आई वॉल होता है, आई बॉल का वॉल जो होता है वो तीन लेयर्स का बना होता है। कौन कौन सी, सबसे पहले ये आउटसाइड लेयर जो है, दिस इज कॉल्ड सिक्लेरा, ठीक है ना, यहाँ पे लेबल की हुई है एंड ये पिंक में बनी हुई है। सेकंड, ये जो ग्रे में बनी हुई है कोराइड, ये मिडल है आप देख सकते हो, एंड इनर जो रेड से बनी हुई है, दैट इज़ द रेटिना, ये यहाँ पे इनर लेयर है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे पीछे की साइड, ये देखो, ये पहले आपको पता होना चाहिए, ये आगे का साइड है एंटीरियर और ये पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। अगर हम देखें पीछे की साइड, ये क्या है, सिक्लेरा, यही सिक्लेरा, यही पिंक जब आगे जाती है तो ये आगे वाले पार्ट में ये बल्जिंग जैसी बना देती हैं, ये कॉर्निया बना देती हैं। तो सिक्लेरा एंटीरियर पार्ट में क्या बनाता है, कॉर्निया, ठीक है। कमिंग ऑन टू द सेकंड लेयर, दैट इज कोराइड। कोराइड आप देख सकते हो पीछे से, यहाँ से ऐसे ग्रे आ रही है, जब ये आगे जाती है तो ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना देता है ना, बोथ साइड से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ऊपर से भी नीचे से भी। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सिलेरी बॉडीज, क्या, सिलेरी बॉडीज। तो कोराइड ने क्या बनाया आगे जाके, सिलेरी बॉडीज। फर्दर ये सिलेरी बॉडी जब आगे जाती है तो ये सिलेरी बॉडी नहीं रहती, ये फर्दर ऐसे कुछ अपेंडेजेस बना देती हैं दोनों साइड से, है ना। तो दीज अपेंडेजेस, दीज आर कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड इरिस, दिस इज कॉल्ड एरिस, ठीक है। तो आपने क्या देखा, कोराइड ने क्या बनाया, सिलेरी बॉडीज, सिलेरी बॉडीज ने क्या बनाया आगे जाके, आयरिस, ठीक है। फर्दर मोर यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, जो हमारी आईबॉल होती है, देयर इज अ क्रिस्टलीन, क्रिस्टलीन लेंस एंड ट्रांसपेरेंट लेंस। सो क्रिस्टलीन एंड ट्रांसपेरेंट लेंस हमारी आईबॉल में होता है, ठीक है। अब
इसको थोड़ा और अगर हम यहीं पे देखें तो आप देख सकते हो कि ये जो एक क्रिस्टलिन लेंस हमारी आई में होता है, ये कनेक्टेड होता है इन सीलरी बॉडीज से, है ना, सीलरी बॉडीज से। और ये अपेंडेजेस जो इसको सीलरी बॉडीज से कनेक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड लिगामेंट्स। ये हम आगे जाके मैंने नोट में लिखा है, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे से समझ होगा, विजुअलाइज होगा कैसे क्या होता है। उसके बाद थेरी आपको याद हो जाती है, बट अगर आप डायरेक्टली थेरी याद करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको सारा रट्टा मारना पड़ेगा, है ना। नाउ अगर आप फिर से देखो तो मैंने क्या बोला था आपको, इट इज़ फ्लूड फील्ड, है ना, इट इज़ फ्लूड फील्ड। तो ये जो फ्लूड फील्ड इनर कैविटी है, इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू चैम्बर्स बाई दिस लेंस एंड द इरिस, है ना। ये लेंस की वजह से इस फ्लूड फील्ड कैविटी को क्या हो गया, इसके दो हिस्से हो गए, एक तो आगे वाला हिस्सा दिस वन, और एक तो पीछे वाला हिस्सा। जो ये आगे वाला हिस्सा है विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, दिस इज़ कॉल्ड एक्वस चैम्बर, ठीक है। और जो पार्ट इस कैविटी का प्रेजेंट होता है बिटवीन दिस लेंस एंड द रिटाइना पोस्टीरियरली, दिस इज कॉल्ड विट्रस चैम्बर। तो जो फ्लूड फिल्ड कैविटी आईबॉल में है, दैट इज डिवाइडेड इंटू टू चैम्बर्स, एक्वस चैम्बर एंटीरियरली एंड विट्रस चैम्बर पोस्टीरियरली। ये जो एक्वस चैम्बर होता है, आगे हम देखेंगे, इसमें जो फ्लूड होता है वो वाटरी होता है, दैट इज वाटरी एंड दैट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। और जो विट्रस चैम्बर में फ्लूड होता है, दैट इज ऑब्वियसली कॉल्ड विट्रस ह्यूमर, और वो जो है वो जल लाइक होता है, वो वाटरी नहीं होता, ठीक है। सो फर्दर जो भी लेबलिंग है, फोविया, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व, ये हम आगे देखेंगे, बट पहले आपको ये पता होना चाहिए जो मैंने अभी तक आपको इसमें दिखाया है, ठीक है। सो कमिंग ऑन द फर्स्ट लेयर, द आउटर लेयर सिक्लेरा। सिक्लेरा में आपने अभी देखा दैट इट इज़ मेड अप, दैट इट इज़ द एंटी एंड द एंटीरियर पोर्शन इट फॉर्म्स कॉर्निया, देखा ना हमने अभी। तो अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से सिक्लेरा बनी होती है, इट इज़ प्रोटेक्टिव एंड एंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया। अभी डायग्राम में आपने देखा तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायग्राम से आपको विजुअलाइज हो गया था। नाउ द सेकेंड लेयर कोराइड, द मिडल लेयर, इसमें आपको याद क्या रखना है, इट कंटेन्स मनी ब्लड वेसल्स एंड इट लुक्स ब्लूश इन कलर। सो इट लुक्स ब्लूश एंड इट, इसमें क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स। तो आपने डायग्राम में भी देखा, और इस पॉइंट में मैंने इसको पॉइंट आउट किया है, दैट कोराइड इज़ थिन ओवर पोस्टीरियर टू थर्ड। पोस्टीरियर टू थर्ड में जो कोराइड है, जो एक ग्रे मैंने इस डायग्राम में दिखाई है, ये उतनी मोटी नहीं होती, लेकिन अगर हम एंटीरियर पार्ट में आए तो ये थिक हो जाती है और बनाती हैं सीलेरी बॉडी। ये भी हमने अभी डायग्राम में आपको दिखाया। नाउ ये सीलरी बॉडीज जो है, दे इट सेल्फ कंटिन्यू फॉरवर्ड टू फॉर्म पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर कॉल्ड इरिस। तो इरिस बनाती हैं, जो मैंने अभी आपको बोला। और इसमें आपको याद क्या रखना है, दिस इरिस इज़ विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई बॉल। तो जो हम किसी में ब्लैक होता है, किसी में ब्राउन होता है, किसी में ब्लू होता है, जो हम आइज़ का कलर देखते हैं, तो दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस इरिस। तो ये इरिस का कलर होता है एक्चुअली, ये जो आई बॉल का कलर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इन डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है। नाउ ये भी, ये पॉइंट भी हमने अभी बोला, दैट आईबॉल कंटेन्स अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलिन लेंस विच इज़ हेल्ड इन प्लेस बाई लिगामेंट्स एंड दीज लिगामेंट्स आर अटैच टू सीलरी बॉडीज़। ये भी मैंने आपको भी डायग्राम में दिखाया, तो आपको समझ आ गया होगा मैंने पहले डायग्राम क्यों समझाई आपको, सो दैट ये थेरी आपको आराम से फिर याद हो जाए, आपको समझ आ जाए, आपको मतलब कुछ जोर देने की, कुछ रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। नाउ इन फ्रंट ऑफ द लेंस, द एपर्चर सराउंडेड बाई द एरिस इज कॉल्ड प्यूपिल एंड द डायमीटर ऑफ दिस प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाई द मसल फाइबर्स ऑफ एरिस, ठीक है। इसको समझने के लिए हम फिर से इस डायग्राम पे जाएंगे। देखो अभी मैंने आपको बोला, इससे पहले मैंने आपको बोला ये कोराइड है, एंटीरियरली आता है और बनाती हैं सीलेरी बॉडीज, दिस सीलेरी बॉडीज मूव फर्दर एंड फॉर्म इरिस, है ना। अब आप देख सकते हो ये इरिस जो है, इट कवर्स दिस लेंस बट पार्शली, यहाँ तक इस लेंस को इसने कवर किया, लेकिन बीच में जो ये स्पेस रह गई जो कवर नहीं हुई, जो मैं अभी रेड कलर से अभी दिखाऊंगा आपको, ये वाली, ये जो एपर्चर रह गया विच इज़ नॉट कवर्ड बाई इरिस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्यूपिल, ठीक है। अब ये प्यूपिल, ये अपर्चर कितना बड़ा होगा, इट विल बी डिटरमाइंड बाय द मसल फाइबर्स ऑफ इरिस। जब इरिस के फाइबर्स कंट्रैक्ट करेंगे या डायलेट करेंगे, इस प्यूपिल का साइज जो है वो चेंज होगा, ठीक है। सो इसी के साथ हो गया हमारी सिक्लेरा भी हो गई, कोराइड भी हो गई। नाउ कमिंग ऑन टू द इनर लेयर, दैट इज रेटिना। रेटिना आपने देखा, रेटिना इज इनर लेयर, एंड इसमें आपको याद क्या रखना है, इट कंटेन्स थ्री लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल्स, थ्री लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल्स। इसको कैसे आप याद रखोगे, देखो आपने देखा कि आईबॉल का जो वॉल होता है उसमें कितनी लेयर्स होती हैं,
तीन, तो जब हम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड गए थे, मैंने आपको बोला था SCR, स्क्लेरा कोराइड रेटिना। सिमिलरली जो रेटिना लेयर है अंदर वाली, इसके फर्दर तीन लेयर्स होते हैं, ठीक है, न्यूरल सेल्स होते हैं, तीन लेयर्स होते हैं, और इनके लिए फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड निमानी क्या है, पबजी। पबजी आप ऑलमोस्ट सभी खेलते हो। सो पी स्टैंड्स फॉर फोटो रिसेप्टर सेल्स, बी स्टैंड्स फॉर बाइपोलर सेल्स, जी स्टैंड्स फॉर गैंग्लियोनिक सेल्स। तो जैसे आपने अभी देखा था इसमें आईबॉल की वाल में फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड लेयर्स, इसी तरह जो रिटेनल लेयर होते हैं इसमें भी तीन टाइप की, तीन लेयर्स होते हैं, एंड उनका नाम क्या है, फोटोरिसेप्टर सेल्स, बाइपोलर सेल्स एंड गैंग्लियोनिक सेल्स। अब हमें जो एनसीईआरटी है हमारे सिलेबस में जो फोटोरिसेप्टर सेल्स हैं सिर्फ उनको डिटेल पढ़ना है, जबकि बाइपोलर सेल्स एंड गैंग्लियोनिक सेल्स को पढ़ना नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू दिस फोटोरिसेप्टर सेल्स, जो ये फोटोरिसेप्टर सेल्स है नाम से ही पता चलता है, फोटो रिसेप्टर, फोटो स्टैंड्स फॉर लाइट एंड रिसेप्टर स्टैंड्स फॉर सेंसेशन। सो ये वो सेल्स होते हैं जो लाइट को सेंस करते हैं, है ना। सो फोटो रिसेप्टर सेल्स आर लाइट सेंसिटिव सेल्स। हमारे पास जो हमारी आईबॉल्स होती है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स, एक हो गई रॉड्स और दूसरे हो गई कोन्स। सो आपको याद रखना है दो टाइप के फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, एक तो रॉड्स होती है, एक तो कोन्स होती हैं। फर्दर जो ये फोटो रिसेप्टर सेल्स हो, चाहे रॉड्स हो चाहे कोन्स हो, इनमें क्या होता है, ये कैसे फोटो रिसेप्टिव होते हैं, इनमें लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होता है कॉल्ड फोटो पिगमेंट, ठीक है। लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एंड दिस पिगमेंट इज, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड फोटो पिगमेंट, ठीक है। अब अगर आप जनरली देखो एक जनरल फोटो पिगमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैं स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नहीं बताता, लेकिन जब हम मैकेनिज्म ऑफ विजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये काम आएगा दैट ये जो ये फोटो पिगमेंट होता है, ये जनरल फोटो पिगमेंट, इट इज़ मेड अप ऑफ ऑप्सिन एंड रेटिनल। ये ऑप्सिन क्या होता है, इट इज़ प्रोटीन पार्ट ऑफ दिस फोटो पिगमेंट, एंड दिस रेटिनल इज विटामिन ए डेरिवेटिव। तो ये आपको यहाँ पे सिर्फ याद रखना है फोटो पिगमेंट किस किन दो चीज़ों का बना होता है, ठीक है। अब जो हमने ये दो टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स पढ़ी, रॉड्स और कोन्स, अब हम इनकी फंक्शन और इनमें जो पिगमेंट होता है वो पढ़ेंगे। अगर हम बात करें रॉड्स की, रॉड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्विलाइट स्कोटोपिक विजन, मतलब नाइट विजन। ज्यूरिंग नाइट द फोटो रिसेप्टर सेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द विजन, दे आर द रॉड्स। तो रॉड्स किस लिए, रात के लिए, आर फॉर रॉड्स, आर फॉर रात, ठीक है, ये निमानिक हैं, आप इसे याद रख सकते हो। वाइल एज जो कोन्स हैं, सी फॉर कोन्स, सी फॉर कलर। जो कोन्स हैं, कोन्स एक तो कलर विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं और फोटोपिक विजन, मतलब डे लाइट विजन। तो अगर रॉड्स आपको रात का समझ आ गया तो कोन्स आपको पता है तो ये फिर दिन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होंगी, एंड प्लस जो सी है, सी स्टैंड फॉर कलर, सो कलर विजन के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम बात करें पिगमेंट्स की इन दीज रॉड्स, जो रॉड्स में पिगमेंट होता है वो पर्पल रेड प्रोटीन होता है और उसका नाम क्या दिया है, रोडोप्सिन। सो द पिगमेंट प्रेजेंट इन द रॉड्स दैट इज कॉल्ड रोडोप्सिन, और इसका एक और नाम है विजुअल पर्पल। विजुअल पर्पल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट इज पर्पल रेड इन कलर, ठीक है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इट कंटेन्स ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। जैसे मैंने आपको बोला जनरल फोटो पिगमेंट में भी विटामिन ए डेरिवेटिव होता है, तो रोडोप्सिन में भी विटामिन ए डेरिवेटिव होगा, है ना। नाउ इन द कोन्स, यहाँ पे जो पिगमेंट्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, आपको पहले पता होनी चाहिए। जो कोन्स हैं, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कोन्स, ठीक है, एक तो रेड कोन्स, ग्रीन कोन्स एंड ब्लू कोन्स, विच आर सेंसिटिव टू रेड लाइट, ग्रीन लाइट एंड ब्लू लाइट। सो हर एक कोन में जो रेड कोन है, ब्लू कोन है, ग्रीन कोन है, उनमें उनका कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट होता है। रेड में अलग होगा, ब्लू में अलग होगा, ग्रीन में अलग होगा। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कोन्स विच पजेस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट दैट रेस्पॉन्ड्स टू रेड, ब्लू एंड ग्रीन लाइट्स, ठीक है। नाउ दीज टू पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको पता ही होगा दैट सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स आर प्रोड्यूस्ड बाई वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कोन्स एंड देयर फोटो पिगमेंट्स। सो डिफरेंट कलर्स परसीव कैसे होते हैं, देयर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कोन्स जो स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है। और जब तीनों, तीन टाइप के कोन्स कौन कौन से हैं, रेड ब्लू एंड ग्रीन, जब ये तीनों इक्वली स्टिमुलेट होते हैं तो वाइट लाइट की सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। सो वी परसीव वाइट लाइट वेन द ऑल थ्री टाइप्स ऑफ कोन्स आर इक्वली स्टिमुलेटेड, ठीक है। नाउ देयर आर थ्री पॉइंट्स जो कि आपको पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ये याद रखने हैं, क्योंकि अगर आप इस डायग्राम के हिसाब से जाओगे तो ये जो थ्योरी है ये कंट्ररी हो जाती है। बट देखो क्या है, अगर आप इस डायग्राम के हिसाब से जाओ, ये आप एंटीरियर पोल मान के चलोगे, ये आप पोस्टीरियर पोल मान के चलोगे, आप देखोगे पोस्टीरियर पोल जो है इसके नीचे ये स्पॉट है, दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, एंड अबो दिस ब्लाइंड स्पॉट फोविया प्रेजेंट है।
ठीक है, सपोर्टिंग से तो यही आएगा, लेकिन अगर आप थ्योरी में देखोगे, अगर आप थ्योरी में देखोगे ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एट द पॉइंट मीडियल टू एंड स्लाइटली अबो द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आईबॉल फोटो रिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट एंड इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। इसके हिसाब से क्या है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर नोज, दिस इज आवर नोज, ठीक है, ये आई बॉल है, ये आई बॉल है। अगर हम पोस्टीरियर पोल देखें तो ये कहीं पोस्टीरियर पोल आएगा, अगर हम आगे वाला पार्ट काट दें ये पोस्टीरियर पोल है। नाउ ये क्या बोल रहे हैं, मीडियल टू एंड स्लाइटली अबो, तो इस पोस्टीरियर पोल के मीडियल साइड और स्लाइटली अबो जाना है। मीडियल साइड हो गया टूवर्ड्स मिड लाइन, लेटरल हो गया अवे फ्रॉम द मिड लाइन, तो हमें इसके मिड लाइन के करीब जाना है एंड स्लाइटली अबो मतलब यहाँ पे, यहाँ कहीं पे। इसके हिसाब से क्या है, मीडियल टू एंड स्लाइटली अबो द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बॉल फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं होते और इस स्पॉट को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इस ब्लाइंड स्पॉट पे क्या होता है, जो ऑप्टिक नर्व होती हैं वो आई बॉल को एग्जिट करती हैं और जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो आई बॉल को एंटर करते हैं इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, ये है अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। नाउ जस्ट लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट, मतलब ये अगर ब्लाइंड स्पॉट है इसका लेटरल मतलब इसके हिसाब से अवे फ्रॉम द मिड लाइन, सो वो कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। देयर इज़ अ येलो पिगमेंटेड स्पॉट कॉल्ड मैक्यूला ल्यूटिया, सो ये क्या स्पॉट है, दिस इज द येलो कलर्ड स्पॉट कॉल्ड मैक्यूला ल्यूटिया, और इस मैक्यूला ल्यूटिया में क्या होता है, देयर इज अ सेंट्रल पिट, इसके बीच में एक पिट होता है, एक गड्ढा होता है, और उस गड्ढे को क्या बोलते हैं, फोविया, ठीक है। अब ये जो फोविया है, फोविया इज थिन्ड आउट, क्योंकि ये पिट है तो ये थिन होगा बाकी मैक्यूला ल्यूटिया के कंपैरिजन में। और यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ओनली कोन्स आर डेंसली पैक्ड, तो कलर विजन जो है ये सिर्फ कलर विजन करेगा और डेलाइट विजन करेगा, तो फोविया पे क्या होती हैं, कोन सबसे ज़्यादा होती हैं, और ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे विजुअल एक्विटी मतलब रेजोल्यूशन इज ग्रेटेस्ट, सो द पॉइंट इन द आई बॉल ऑन द रेटिना वेयर द रेजोल्यूशन इज हाइएस्ट, वेयर द विजुअल एक्विटी इज हाइस्ट, दैट इज द फोविया। फोविया क्या है, सेंट्रल पिट है ऑफ मैक्यूला ल्यूटिया। मैक्यूला ल्यूटिया क्या है, इट्स ए येलो पिगमेंटेड स्पॉट ऑन द एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बॉल, ठीक है। अब ये तो हो गया इसके हिसाब से जो मैंने अभी आपको बोला, जो आपके मतलब जो आपको समझ भी आ गया होगा कैसे लेटरल मीडियल है वो। बट इस डायग्राम के हिसाब से आप क्या देखोगे, आप देखोगे ये जो ये ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट जो है ब्लाइंड स्पॉट नीचे हैं पोस्टीरियर पोल से, और जो फोविया है, फोविया एबो है इसके इस ब्लाइंड स्पॉट से। लेकिन पॉइंट में हमने अभी क्या देखा कि जो ब्लाइंड स्पॉट होती हैं इट इज़ प्रेजेंट एबो एंड मीडियल टू द पोस्टीरियर पोल, तो इस हिसाब से आपको क्या लगेगा, एक्चुअल में पता है क्या है, ये जो ऐसे आपको आई बॉल दिखाई है ना, ये एग्जैक्टली ऐसे ऑरिएंटेड नहीं होती हमारे ऑर्बिट में, तो इसकी ऑरिएंटेशन थोड़ी डिफरेंट होती है, उसकी वजह से हम पोस्टीरियर पोल एंटीरियर पोल डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, फॉर थ्योरी पर्पजेस, अगर आपको क्वेश्चन रिटन आ गया मतलब आपको थ्योरी दिया गया है कि मतलब डायग्राम नहीं दी गई है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया अभी मीडियल लेटरल कैसे, ठीक है। बट अगर आपको यहाँ पे ये डायग्राम की लेबलिंग आ गई एग्ज़ाम में, तो आपको क्या याद रखना है, आपको बस याद ये रखना है कि जो ब्लाइंड स्पॉट होती है ब्लाइंड स्पॉट नीचे होती हैं और ब्लाइंड स्पॉट के एबो फोविया होता है, ठीक है, बिलो ब्लाइंड स्पॉट, बी फॉर बिलो, बी फॉर ब्लाइंड स्पॉट, ऐसे याद रखो डायग्राम के लिए। बाकी जो मैंने आपको अभी समझाया वैसे ही आपको याद रखना है, क्योंकि वैसे आपको आसान होगा ये मीडियल टू एबो लेटरल, आया समझ। नाउ ये हमने पढ़ा अभी दैट स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस इज कॉल्ड एक्वस चैम्बर एंड इट कंटेन्स थिन वाटरी फ्लूड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, एंड स्पेस बिटवीन लेंस एंड द रेटिना इज कॉल्ड विट्रस चैम्बर एंड इट कंटेन्स ट्रांसपेरेंट जल कॉल्ड विट्रस ह्यूमर, ये भी मैंने आपको डायग्राम में समझाया था। नाउ दिस कम्प्लीट्स आवर स्ट्रक्चर ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल, एंड नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ विजन, ठीक है। देखो हम जो सेंसेशन ऑफ विजन है जो हम देख पाते हैं वो हम कैसे देख पाते हैं, इसमें हम वो देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जो विजिबल वेवलेंथ लाइट रेज होती हैं दे आर फोकस्ड ऑन रेटिना थ्रू कॉर्निया एंड लेंस। ऑब्वियसली इस डायग्राम से अगर हम देखें, देखो यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, ये लाइट रेज हैं, ये लाइट रेज हैं, तो ये पहले कहाँ कहाँ से पास होते हैं, पहले ये पास होते हैं इस कॉर्निया से, कॉर्निया के बाद लेंस से, और फाइनली ये कहाँ पे फोकस किए जाते हैं, इस रेटिना पे, ठीक है ना। सो पहला स्टेप क्या है, विजिबल लाइट रेज फोकस्ड ऑन रेटिना थ्रू कॉर्निया एंड लेंस। अब ये जो लाइट रेज रेटिना पे
फॉल होती हैं ये क्या करती हैं, दे जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स क्या है, दे आर द फोटो रिसेप्टर सेल्स इन द रेटिना। तो इनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है, देखो कैसे होता है। मैंने आपको पहले ही बोला था इससे पहले कि फोटो पिगमेंट का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑप्सिन और क्या रिटिनल, है ना। ऑप्सिन इज द प्रोटीन, रिटिनल इज द विटामिन ए डेरिवेटिव। अब जब लाइट वेव्स, जो लाइट रेज जो होती हैं, व्हेन दे आर इंसिडेंट ऑन दिस फोटो पिगमेंट, दिस ऑप्सिन इज डिसोसिएटेड फ्रॉम दिस रेटिनल, ये अलग अलग हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से इस ऑप्सिन ऑप्सिन का स्ट्रक्चर चेंज होगा। अब जब ऑप्सिन का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी है फोटो रिसेप्टर सेल्स की, वो चेंज हो जाती है। सो देयर इज चेंज इन द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी ऑफ द फोटो रिसेप्टर सेल्स। एंड यू नो व्हेन देयर इज चेंज इन द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी ऑफ एनी स्टिमुलेटरी सेल, वहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेल्स कौन है, फोटो रिसेप्टर सेल्स, सो पोटेंशियल डिफरेंस किन में जनरेट होगा, फोटो रिसेप्टर सेल्स में ही। अब आपको पता था जो इनर लेयर होता है वो फोटो रिसेप्टर सेल्स, उनके बाहर बाइपोलर सेल्स, उनके बाहर गैंग्लियोनिक सेल्स, है ना। सिग्नल ट्रांसमिटेड टू बाइपोलर सेल्स, अब ये फोटो रिसेप्टर सेल्स से क्या होता है, बाइपोलर सेल्स को सिग्नल ट्रांसमिट होगी, और बाइपोलर सेल्स से जो है वो अल्टीमेटली गैंग्लियोनिक सेल्स को ट्रांसमिट होगी। अब जब गैंग्लियोनिक सेल्स में सिग्नल आ गई, यहाँ से क्या होता है, दिस सिग्नल इज कैरियड बाय द ऑप्टिक नर्व टू विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। जो अपने ऑप्टिक नर्व यहाँ डायग्राम में पड़ी थी, विच लीव्स एट द ब्लाइंड स्पॉट, दिस इज ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व इस इम्पल्स को कहाँ ले जाता है, विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। विजुअल कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट होता है, इट इज़ द एक्चुअली ये ऑक्सिपिटल लोब में प्रेजेंट होता है। तो ये वो पार्ट होता है ब्रेन का जो विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। और इस विजुअल कॉर्टेक्स में क्या होता है, दिस सिग्नल्स, दिस एक्शन पोटेंशियल, दे आर एनालाइज्ड बाय द विजुअल कॉर्टेक्स एंड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना एंड रिकॉग्नाइज बेस्ड ऑन अर्ली मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। सो बेस्ड ऑन योर अर्ली एक्सपीरियंस, किसी बंदे को आपने ऑलरेडी देखा है, उस जो है उसकी इमेज जो है दैट इज एनालाइज्ड, और वो रिलेट की जाती है कहाँ पे, इस विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन में। तो आपको सिंपली याद रखना है, दिस सिग्नल्स आर कैरियड बाय द ऑप्टिक नर्व टू विजुअल कॉर्टेक्स एंड एट दिस विजुअल कॉर्टेक्स दिस सिग्नल्स आर एनालाइज्ड बाय विजुअल कॉर्टेक्स एंड इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना एंड इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द अर्ली मेमोरी एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स आर दिस वीडियो, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड कीप शेयरिंग दीज वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स, जिनका आपको लगता है कि उनके लिए ये बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं, ठीक है। सो कीप स्टडिंग, स्टे फोकस्ड, अल्लाह हाफिज़।